हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल होप्स सो कि आप अपने लाइफ में फुल इंजॉय कर रहे होंगे तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से देख के पता चल ही चुका होगा कि किस बारे पे टॉपिक है तो ये कुछ ड्रेसेस है जो अभी तक के मेरे मतलब ईद के हैं अभी तक के ये शॉपिंग मैंने कुछ कुछ किया है और कुछ मम्मी पापा वगैरह मतलब गिफ्ट्स है तो फर्स्ट वन देख सकते हैं ये मरून कलर का है और ये सीक्वेंस्ड वर्क है यार सीक्वेंस वर्क बहुत अच्छा लगता है कभी कभी क्योंकि ज़्यादा मतलब ये पार्टी वेयर है तो देख सकते हो और पूरा पूरा फुल पे सीक्वेंस वर्क है तो इसका दुपट्टा भी अच्छा ही है मतलब सिफोन का है और इसका नेक पे भी पूरा सी सिकवेंस बेस्ड वर्क है तो देख सकते हो इस कितना प्यारा सा है इस मरून कलर है तो मरून कलर वाकई बहुत अच्छा लगता है तो देख सकते हैं इस ये सिफोन का इसका दुपट्टा है और इसका जो किनारे है किनारे पे इसका पट्टी वर्क है तो ये हो गया फर्स्ट एंड जो मेरा सेकेंड ड्रेस है देख सकते हो ये रेड एंड वाइट का, का कॉम्बिनेशन है तो इस पर भी छोटे छोटे बीट्स लगे हुए हैं आई डोंट नो मुझे फ़ैब्रिक का उतना नॉलेज तो है नहीं बट फिर भी मैं बता रही हूँ छोटे छोटे बीट्स एंड फ्लावर का डिज़ाइन है निक पे और और रेड फैब्रिक पे वाइट डॉटेड प्रिंट है तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है देख सकते हो गाइस और क्लासी भी लग रहा है मीन्स रेगुलर बेस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं मीन्स जितने कम से कम डिज़ाइन हो पाए मीन्स मेरे मुझे बहुत हल्का चाहिए मीन्स उतना जड़ी बूटी आई मीन आई विटे से उतना मतलब मोती सितारा नहीं चाहिए होता है और इसमें ठीक है नॉर्मल है और शादीशुदा औरत को मीन्स मैं जैसे हाउस वाइफ हूँ तो सबको अच्छा मतलब थोड़ा सा हैवी वर्क पहनना ही पड़ता है इंडियन हाउस वाइफ लोगों को एंड वन ऑफ़ द बेस्ट पार्ट कि ये इस पर इसका जो चुन्नी है उस पर थ्रेड वर्क है और इसका जो पजामा है इतना सॉफ्ट है ना गाइज देखो वाइट इस... फैब्रिक पे रेड डॉटेड का निशान है और इतना अच्छा है मतलब ये बोला जाएगा बॉबी प्रिंट है ठीक है फुल क्लोथ तो ये है थर्ड वन जो स्काई ब्लू में है और बहुत ही प्यारा है तो ये जो रेड एंड ब्लू है ये मेरे पापा मम्मी ने गिफ्ट किया था तो इसका चुन्नी मीन्स थोड़ा जॉर्जेट टाइप में है बट फुल प्योर जॉर्जेट नहीं है देखो मिरर वर्क है पूरा मिरर वर्क है ये और फ्लावर प्रिंट है तो ये भी घर पे पहनने के लिए हाउसवाइफ के लिए बहुत बहुत बहुत, बहुत बेस्ट है तो पूरा मींस पूरा जो क्लोथ है उस पर फ्लावर प्रिंट है और चेक चेक डिज़ाइन है पजामे का तो ये भी बहुत बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल है सबसे पहले मेरे को कंफर्टेबल ड्रेस बहुत अच्छा लगता है तो देख सकते हो इस बहुत ही अच्छा है, तो इसको रख देते हैं साइड एंड जो ये थर्ड वन है तो ये है ब्लैक कलर का प्योर प्योर जॉर्जेट का मटेरियल तो देख सकते हैं कितना अच्छा थ्रेड वर्क है गोल्डन थ्रेड वर्क है और जॉर्जेट का है फैब्रिक और मुझे जॉर्जेट का फैब्रिक बहुत पसंद है क्योंकि अच्छा खिलता है तो सभी लोगों के ऊपर खिलता ही होगा क्योंकि जॉर्जेट का फैब्रिक बहुत अच्छा ही लगता है सभी लोगों के आ, के ऊपर तो इसका नेक का डिज़ाइन भी देखो पूरा फुल बहुत ही प्यारा है और इसका देखो एंड पे भी बहुत अच्छा है ये बेसिकली बनेगा गरारा या शरारा टाइप तो पूरा फुल लेंथ है नी नी लेंथ है पूरा फुल और देख सकते हो कितना प्यारा है साथ ही साथ छोटे छोटे बीट्स है और जो वो पूरे ड्रेस को निखार रहे हैं मेरे पास ज़्यादा ब्लैक ड्रेसेस था नहीं तो मैंने भी इसे ले ही लिया क्योंकि मुझे एक नज़र में पसंद आया और मैंने जस्ट ले लिया तो इसका फिर देख सकते हो उसका दुपट्टा इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है देख सकते हो पूरे किनारे पे पूरा गोल्डन वर्क है और मुझे फैब्रिक का उतना पता है नहीं कि कौन सा वर्क है क्या है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या है क्या नहीं ठीक है मेरा मजाक मत उड़ा देना कि मैंने क्या बोल दिया तो ये देखो ये शाइनी शाइनी क्लोथ है ये इसका पैजामा का वर्क है और इसका अस्तर एक साथ था ठीक है तो ये है थर्ड वन तो ये मेरा येलो फेवरेट कलर है तो ये भी जॉर्जेट का ही है तो ये मेरी सासू माँ ने दिया था तो उनको पता था कि येलो मेरा फेवरेट कलर है तो उन्होंने यही मुझे गिफ्ट किया है तो ये इतना खूबसूरत है क्योंकि इस पर सीक्वेंस वर्क भी है और थ्रेड वर्क भी है और पूरे पूरे ड्रेस मटेरियल पे पूरा मल्टी कलर थ्रेड वर्क है छोटे छोटे जितने भी फूल की तरह दिख रहे हैं वो पूरा वर्क है और ये इसका पजामा है इसके साथ तो मैं सोच रही हूँ उसे धोती पटियाला सिलाया जाए क्योंकि हैवी वर्क मटेरियल है तो अच्छा लगेगा धोती पटियाला और इसका जो पजामा भी बहुत शाइनी है तो गाइस कमेंट में भी बता देना कि ये कौन सा फैब्रिक है क्योंकि आप लोगों को अगर पता होगा तो तो देख सकते हो सबसे अच्छा तो मुझे यही लग रहा है देखते हैं सिलवाने के बाद कैसा आएगा क्योंकि ये भी पार्टी वर्क है और नॉर्मल घर पे नहीं पहना जा सकता है तो इसे भी कर दो साइड तो ये है एक अनारकली टाइप है मीन्स अनारकली है शॉर्ट तो ये घर पे पहनने के लिए मैंने लिया था और अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया था तो ये भी समझो ईद के लिए ही रखा है कि कोई ना कोई दिन इसे यूज़ कर दूँगी तो ये भी कुछ जैकेट टाइप में है और इसका प्राइस खास तो है नहीं बट मेरे को अच्छा लगा था प्रिंट और तो देख सकते हो ये शॉर्ट अनारकली टाइप में है और इसका इसके साथ लेगिंगस था और एक दुपट्टा था और ये ड्रेस का हॉल नहीं है बस मैंने अपने कलेक्शन से दिखाया है तो मुझे प्लीज़ जज मत कीजिएगा अगर मैंने कुछ इनकरेक्ट बोला होगा फैब्रिक के बारे तो और गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट करे लाइक करे शेयर करें सब्सक्राइब तो कीजिएगा प्लीज़ एंड वन ऑफ़ द बेस्ट थिंग कि आप लोगों की वजह से हम लोग धीरे धीरे मतलब ग्रो कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और ग्रो करें बस आपके सपोर्ट से तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए पसंद करते रहिए थैंक यू